सिंगरौली नगर निगम के नवागत कमिश्नर पवन सिंह ने नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और क्षेत्र में कबाड़ को उपयोग करने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। पवन सिंह ने कबाड़ से एक सेल्फी पॉइंट बनवाया है जिसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सिंगरौली नगर निगम के नवागत कमिश्नर पवन सिंह ने साबित कर दिया कि कबाड़ भी खूबसूरत हो सकता है। निगम कमिश्नर स्वच्छता के लिए नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, वेस्ट टू वेल्थ। उनका कहना है कि इस माध्यम से क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां कबाड़ हो गए चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पुराने टायर, प्लास्टिक व कांच की बोतल, बच्चों व बड़ों की साइकिल व वेस्ट हो चुके पाइप, इन सभी का उपयोग किया गया है। सोफा, झूला व टूटे हुए गमलों को सजाकर रंग रंगोन करके इस सेल्फी पॉइंट को सुंदर बनाया गया है। नगर निगम सिंगरौली कमिश्नर पवन सिंह ने यह भी कहा कि इस पार्क में आने जाने वाले लोग यह सब देखकर इस सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिससे दूसरे लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में एक कॉन्सेप्ट आया है, वेस्ट टू वेल्थ। जो आपका सामान खराब हो चुका है, वेस्ट हो चुका है घरों में, उससे कुछ एक वेल्थ, कोई असेट क्रिएट किया जाए, तो उसी के तारतम्य में नगर निगम सिंगरौली द्वारा भी नेहरू पार्क में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उसमें जो हमारे टायर हैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराने साइकिल्स हैं, पुराने पाइपलाइन पाइप पड़े हुए हैं, उनको जोड़ के उनको स्ट्रक्चर का स्वरूप दिया गया है और उनको अच्छे ढंग से सजाया जा रहा है। उसमें गमले बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है झूला बनाया जा रहा है, उसमें सोफा बनाया जा रहा है। तो जो हमारा वेस्ट है उसको हम वेल्थ के रूप में, असेट के रूप में क्रिएट करके पार्क में रख रहे हैं, तो जिससे लोग वहाँ आए और स्वच्छता के बारे में संदेश प्राप्त करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।